नमस्कार, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं, मेरा नाम नीरज है। असली दिल्ली जो है ना, वो लुटियंस वाली है। दिल्ली से बाहर के लोग जिस राजधानी के बारे में सोचते होंगे या उनके अंदर जो कल्पना उठती है, वो इसी लुटियंस वाली दिल्ली की है। वीआईपी और रसूखदार लोगों की रिहाइश के लिए इस इलाके को जाना जाता है। नेताओं और सरकारी अफसरों का पसंदीदा ठिकाना। अफसर भी छोटे मोटे पदों वाले नहीं, बड़े बड़े पदों वाले रहते हैं यहाँ। इसीलिए लंबी दौड़ लगती है यहाँ बंगला पाने के लिए। क्या नेता क्या अफसर हर संभव कोशिश करते हैं इन सरकारी बंगलों तक पहुंचने के लिए। इंडिया टुडे ने आरटीआई के दम पर एक स्टोरी की है। इंडिया टुडे के लिए अशोक उपाध्याय की फाइल की गई एक स्टोरी की कुछ दिलचस्प बातें हम आपको बताते हैं। इस स्टोरी में बात यह है कि आधिकारिक तौर पर आवंटित बंगलों में कौन सा राजनेता सबसे लंबे समय तक काबिज रहा, ऐसा कोई रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद नहीं है। 10 जनपथ बंगले का नाम लेते ही यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम जहन में आता है। ये बंगला रायबरेली से लोकसभा सांसद का आधिकारिक आवास है। यूपीए अध्यक्ष लुटियन के डिजाइन किए गए इस बड़े बंगले में करीब 3 दशक से रह रही हैं, यानी 30 साल। 10 जनपथ बंगला सोनिया गांधी के पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 19 जनवरी 1990 को आवंटित हुआ था। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हत्या के बाद इस बंगले को सोनिया गांधी को दे दिया गया था। ये जानकारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुड़े संपदा निदेशालय ने आरटीआई के जवाब में दी है। संपदा निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स, ये शहरी विकास मंत्रालय का हिस्सा है। ये आरटीआई इंडिया टुडे की ओर से दाखिल की गई। नामचीन राजनीतिक नेताओं में सिर्फ सोनिया गांधी अकेली नहीं है जो एक ही बंगले में सालों से रह रही है। आरटीआई में पूछा गया कि ऐसे कौन से टॉप 10 नेता हैं जो लंबे समय से नई दिल्ली के लुटियन जोन के बंगलों में ही रहते चले आ रहे हैं। संपदा निदेशालय ने अपने जवाब में कहा कि संकलित अवस्था में डेटा उपलब्ध नहीं है, यद्यपि किसी विशिष्ट मामले में आपके सवाल पर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। हिंदी थोड़ा टफ इसीलिए है क्योंकि ये सरकार का जवाब है, सरकारी जवाब है आरटीआई की जवाब में। वो ये कह रहे हैं कि मतलब डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आपको विशिष्ट कोई स्पेशल जानकारी चाहिए, स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो वो दी जा सकती है। सोनिया गांधी के पड़ोस में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद रामविलास पासवान को 12 जनपद 14 मार्च 1990 को मिला था। उन्हें यह बंगला तब मिला था जब उनके बेटे चिराग पासवान की उम्र 8 साल भी नहीं हुई थी। चिराग पासवान अब तक 2 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। 2009-2010 में रामविलास पासवान संसद के किसी भी सदन के करीब 1 साल तक सदस्य नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगले पर कब्जा बनाए रखा। बीजेपी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी 30 पृथ्वीराज रोड पर 21 जनवरी 2002 से रहते आ रहे हैं। इससे पहले वो C1/16 पंडारा पार्क पर रहा करते थे। इंडिया टुडे ने आरटीआई के जरिए जानना चाहा कि आडवाणी पंडारा पार्क वाले आवास में कितने साल रहे, तो जवाब में बताया गया क्योंकि ये आवास 1971 से लोकसभा पूल में रखा गया था, इसीलिए संपदा कार्यालय के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। एक और सवाल के जवाब में संपदा निदेशालय ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जिसे कहते हैं, उसके अध्यक्ष शरद पवार 6 जनपथ रोड बंगले पर 4 जून 2004 से रह रहे हैं। जाते जाते कुछ बातें जो थोड़ा हैरानी भरी हैं, वो ये कि डिजिटल के जमाने में दिल्ली के सबसे खास लुटियन जोन के बंगलों में कौन कितने वक्त तक रहा, इसकी कोई डिटेल्ड जानकारी नहीं है। इसकी वजह एक ये हो सकती है कि इस तरह का डेटा अभी भी एनालॉग में ही अलग अलग सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में ही ढेर हुआ पड़ा है। अगर ये सारी जानकारी डिजिटल फॉर्म में होती तो शायद आरटीआई के जवाब में तुरंत मिल गई होती। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, ऐसे में लुटियन जोन के बंगलों की साफ पूरी जानकारी ना होना मतलब ये बताता है कि हम डिजिटल के मामले में अभी
कुछ पीछे ही हैं। मेरा नाम नीरज है, ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ ही राशिद थे। एक ज़रूरी अपील कि हमारे सारे वीडियोज़ और सारी स्टोरीज़ एक जगह देखने के लिए दी ललन टॉप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। शुक्रिया।